हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी दोस्तों? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ अपने घर जो है मिक्सर ग्राइंडर। और आप सभी तो जानते ही होंगे दोस्तों कि मुझे जो मसाला पीसने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप अगर पहली वाली मेरी वीडियो सब देखते होंगे, ब्लॉग्स वीडियो जो है अगर देखते होंगे आप सभी, तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं किस कितना दिक्कत के साथ जो है मसाला पीसती थी पहले सिल्ला पर। लेकिन आज जो है दोस्तों, मैं अपना जो है ग्राइंडर ले आई हूँ मसाला पीसने के लिए। दोस्तों, कल होली है, इस वजह से मुझे जो है आज जो है ना ग्राइंडर लानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मुझे पीसनी है और वो सिल्ला पर नहीं हो सकती है दोस्तों। तो दही बारा के लिए जो है ना दोस्तों, मैं 1 किलो दाल फुलाई हुई हूँ, मूंग की दाल, तो वो दाल भी मुझे पीसनी है। और उतनी सारी दाल मैं सिल्ला पर कैसे पीसती? उसके बाद जो है मुझे जो है जीरा का पाउडर तैयार करना है, मिर्ची का पाउडर तैयार करना है, और मसाला सब सब्जी सब के लिए तो दोस्तों जानबे करते कितना ज़्यादा पिसाता है। और कल वैसे होली है तो कल तो बहुत ज़्यादा ही सब्जी बनेगी, पुआ बनेगी, उसके बाद जो दही बारा सब बनेगी, तो वो तो आप सभी देखिएगा ही दोस्तों। अगर ब्लॉग्स बनेगी मेरी तो वो आप सभी देख लीजिएगा। और ग्राइंडर जो लाई हूँ ना दोस्तों, तो मैं किस कंपनी की लाई हूँ और किस डिजाइन में लाई हूँ, तो चलिए उसे मैं खोलती हूँ। अभी तो पैक ही है, मैं नहीं खोली हूँ, अभी बस पैक ही करके रखा हुआ। मैं सोची क्या कि लाई हूँ तो आप सभी के साथ जो ये वीडियो शेयर करूँ, और आप सभी को भी दिखाऊँ कि मैं किस मॉडल का जो है मिक्सर ग्राइंडर ली हूँ मसाला पीसने के लिए और किस कंपनी का है। तो चलिए दोस्तों, उसे जो है खोलना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस कंपनी का है और कैसा है। तो दोस्तों, ये मॉडल अगर आप सभी को पसंद आएगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी दिक्कत को आप सभी समझते होंगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मुझे ये लेना सही है कि नहीं है, और मैं ये ग्राइंडर जो लाई हूँ दोस्तों वो मेरे लिए उचित था कि नहीं है, वो सभी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो वो तो आप सभी देखते ही होंगे, और मेरी अगर पहली वाली वीडियो सब नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाकर के ज़रूर देखिएगा मैं जो है कितनी दिक्कत के साथ जो है मसाला पहले पीसती थी। तो चलिए दोस्तों, उसे खोलना स्टार्ट करते हैं, जो अभी पैकिंग है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या मिला है। पहले तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, इसका मॉडल देखते हैं कि ये कैसा है, किस डिजाइन का। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका डिजाइन, मतलब जैसा पिक दिया हुआ है ना फूट के ऊपर, सेम वैसा ही है। और इसके साथ में ये बुक दिया हुआ है, ये देखिए। और इसमें जो है ना दोस्तों, 5 साल का वारंटी दिया हुआ है, तो इसे वो बुक को जो है ना संभाल के रखनी होगी मुझे, ताकि कोई गड़बड़ी आए तो मैं वो लेकर के जाऊं। और देखिए ये इस मॉडल का है। तो चलिए इसे रख देते हैं, आप कटोरा सब जो है निकाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई सबसे छोटी वाली कटोरा। और ये हो गई उससे थोड़ी सी बड़ी, देखिए वाह, जग डिजाइन का ये बना हुआ है। देखिए बहुत दिन से दोस्तों मुझे जो है ये लेने का मन था, लेकिन जो पैसा नहीं हो पा रहा था इसलिए नहीं ले पा रहे थे। देखिए ये है उससे बड़ी, इसमें 3 कटोरा दिया गया है, ये देखिए। और मैं अभी दाल जो फुला के रखी हूँ दोस्तों, मूंग का दाल, तो वो भी मैं आप सभी को पीस करके अभी दिखाऊंगी। तो कटोरा सब तो आप सभी दोस्तों देख ही लिए किस किस डिजाइन का है, कितने कितने बड़ी है। और चलिए दोस्तों, इसका मैं ढक्कन दिखाती हूँ, किस डिजाइन के ढक्कन सब है और कैसी कैसी ढक्कन दी है और क्या सब है इसके साथ में। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं है इसके अंदर, ये देखिए, अब कार्टून जो है खाली है, ये 3 कटोरा है और ये ढक्कन सब देखिए, ये देखिए, ये हो गई छोटी कटोरा की ढक्कन, और ये हो गई उससे बड़ी कटोरा की ढक्कन, और सबसे अच्छी कटोरा जो है दोस्तों, मतलब कटोरा का ढक्कन जो है ये, कितनी प्यारी ढक्कन है, वाओ, ये देखिए दोस्तों, है ना मस्त ढक्कन। और ये लगता है इसका ढक्कन है, रुकिए मैं लगा के आप सभी को दिखाती हूँ। पता नहीं इसमें क्या करना है, हाँ ये जो है इस तरह, वाओ देखिए दोस्तों, ये इस टाइप के ढक्कन है।
देखिए दोस्तों, है ना मस्त ढक्कन। तो चलिए अब इसे जो है यूज करेंगे और देखते हैं इसमें कैसे पिसाता है, किस तरह से पिसाता है। आप सभी वीडियो पे बनी रहिएगा और देखते हैं कि दाल अच्छे से पिसा पाती है कि नहीं। उसके बाद जो जीरा का पाउडर बनाऊंगी और मिर्ची का पाउडर बनाऊंगी, तो वो सब भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों किस तरह से मतलब पिसाता है और नहीं होता है कि नहीं होता है। और ये जो ग्राइंडर अभी चलेगी तो इसकी आवाज़ कैसी है, तो वो सभी आप देखिएगा ज़्यादा आवाज़ करती है कि कम करती है। चलिए जो है अब इसे स्टार्ट करते हैं पीसना। तो ये देखिए दोस्तों, मैं लाइन में जो है सेट कर ली हूँ और कटोरा सब भी लेकर चली आई हूँ। और यहाँ जो जीरा भून करके लाई हूँ और सरिया जो है मिर्ची भून रही है, इसलिए गला में जो दोंक लग रही है। और ये देखिए इधर इतना जो है दाल पीसना है, ये देखिए दही बारे के लिए। और मैं आप सभी को बोलना भूल गई थी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी होली। सबसे पहले दोस्तों जीरा का पाउडर तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से मतलब काम करती है, होती है कि नहीं होती है। शायद ये लग रही है ज़्यादा हो जाएगी, चलिए कम कर देते हैं क्योंकि कटोरा थोड़ी छोटी है ना। देखिए तरह चेक कर लिए हैं, अभी तो नई नई है ना दोस्तों, मुझे पता भी नहीं है कैसे सेट होगी, डर भी लग रहा है थोड़ी थोड़ी। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से जो है ये हो गई है जीरा पाउडर। वाह देखिए दोस्तों, चलिए इसे रख लेते हैं, कल दही बारे के ऊपर जो है ना छिड़कने में ये काम आएगी। तो ये देखिए दोस्तों जीरा पाउडर मेरी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब जो है दाल पीसेंगे, और दाल जो है दोस्तों बड़ी वाली जार में पीसेंगे इसमें, ताकि ये अच्छे से जो है रेडी हो गए। हल्की सी पानी भी दे देते हैं ताकि पीसने में आसानी हो। सबसे प्यारी जो है दोस्तों मुझे इसकी ढक्कन लग रही है, देखिए कितनी अच्छी ढक्कन। तो ये देखिए दोस्तों मैं दाल पीस चुकी हूँ और सारी दाल जो ख़त्म हो चुकी है। देखिए और पटेरा कटोरा का ढक्कन जो है देखिए मैं इसमें रख दी हूँ, मतलब जार का ढक्कन जो है उसमें रख दी हूँ धोने के लिए। अब बच गई है मिर्ची का पाउडर तैयार करने के लिए। तो ये देखिए छोटा कटोरा में जो है मिर्ची भी भर चुकी है ये लड़की, मतलब श्रेया। अब इसे मैं पीसूँगी तो ये भी जो है में ही हो ही जाएगी अच्छे से। वो भी जब इतनी सारी अच्छे से पिसा जा रही है तो उम्मीद है कि ये भी हो जाएगी। अभी ढक्कन नहीं खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर अभी ढक्कन खोल दिए ना तो बस इतनी ज़्यादा उसका धुआं निकलेगी कि सीधे नाक में जो जाके धरेगी, इसलिए थोड़ी देर अभी रुक करके खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब ये तो ठंडी हो चुकी है तो इसे आप खोल के देखते हैं। ये देखिए मिर्ची का पाउडर टन टना, ये देखिए रेडी हो चुकी है। और ये दही बारा के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी है, और इसे जो है सब्जी के ऊपर भी डाल सकते हैं। कोई तरह का भुजिया बना रहे तो भुजिया के ऊपर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो देखिए ये तीनों तो मेरे लिए जो है सक्सेसफुल साबित हुई। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी मसाला पीसने में, क्योंकि मेरी सिल्ला तो टूटी हुई थी। और अगर आप सभी मेरी पहली वाली वीडियो सब नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, और कल वाली जो होली वाली वीडियो होगी दोस्तों वो सब भी मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगी, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो का दोस्तों इंतजार कीजिएगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कल का वीडियो के लिए आप सभी इंतजार कीजिए। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।